नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। किसानों के समर्थन में मेनपी की राजनीतिक दलों ने दिखाया अनोखा प्रदर्शन एवं जिलाधिकारी को किसानों के समर्थन में सौंपा गया मांग पत्र। आपको बताते हैं, मेनपी के किसानों के समर्थन में समाजवादी पार्टी की ओर से अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला। मेनपी की करहल विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद तेज प्रताप सिंह ने ट्रैक्टर पर बैठकर प्रदर्शन किया तथा वहीं भोगांव विधानसभा से पूर्व विधायक व शिक्षा मंत्री आलोक कुमार साक्य ने बैलगाड़ी पर सवार होकर प्रदेश सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए समर्थन की मांग की। वहीं तीसरी तरफ मेनपी शहर से जहां प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोगों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुँचने के बाद जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह को किसानों के समर्थन में मांग पत्र भी सौंपा है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे सहयोगी प्रमोद कुमार के साथ अनिल दीक्षित की एक रिपोर्ट। उसके विरोध में समाजवादी पार्टी आंदोलन कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने जो कृषि बिल पेश किया है, ये किसान विरोधी है। उसी के संबंध में हम सारे लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, किसानों के बीच में जा रहे हैं। उनको ये काला कानून है। अभी तक तो इन्होंने रेल, स्कूल, स्वास्थ्य सब बेचने का काम किया है, एयरपोर्ट भी बेच दिए। अब इनकी निगाह है किसान के खेत पर। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये लाना चाहते हैं, उनके माध्यम से भोले वाले किसानों को बरगला के उनकी ज़मीन हत्याना चाहते हैं, खेत हत्याना चाहते हैं, अपना बीज देना चाहते हैं। जब वो बीज देंगे, पानी देंगे, किसान तो हमारा बहुत भूला है ना, नहीं समझ पा रहा है। जब वो बीज देंगे, खाद देंगे, वो अपने हिसाब से फसल के दाम तय करेंगे, तो कहाँ किसान जाएगा। आपको मालूम है कि दिल्ली में लाखों लाख किसान धरने पर बैठे। ये काला कानून वापस ले सरकार और पुनः वही व्यवस्था करे जो व्यवस्था चलती आ रही है। मंडियाँ ख़त्म कर रही हैं, क्या मतलब है? किसान जाते हैं मंडियों में, अपनी फसल बेचते हैं, तो मंडियों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, तो कहाँ किसान जाएगा। इस काले कानून के विरोध में हम समाजवादी पार्टी के लोग विधानसभा गाँव में सारे लोग गाँव गाँव जाके समझाने का काम कर रहे हैं। ये काला कानून वापस की जो संरचना है वो दिल के बिना पूरी नहीं हो सकती। उसी तरह हमारे देश हिंदुस्तान, हमारी मातृभूमि हिंदुस्तान, उसका दिल है किसान। उस दिल पर चोट करने का काम सत्ता सरकार ने किया है और जिस तरह का काला कानून बनाया है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से बहुत ताकत से उसका विरोध करती है। हम अपने अन्नदाता के साथ हैं और हर लड़ाई, हर स्तर तक किसान की लड़ाई लड़ने का काम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी करेगी। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय शिवपाल जी का सीधा सीधा संदेश है। प्रत्येक जिले में किसान के समर्थन में लगातार प्रदर्शन होंगे और हम किसान के साथ किसान की लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम करेंगे।